नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज को। अभी इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर कि एनडीए में सीटों का बंटवारा शुरू हो गया है, मतलब एनडीए में शामिल तीन दल भाजपा, लोजपा और जदयू, इनमें इनके बीच सीटों का बंटवारा शुरू हुआ है और यह बात तय होनी शुरू हो गई कि कौन सी पार्टी किस लोकसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी को उतारेगी। तो सबसे पहले जो फैसला हुआ है वह बिहार की रिजर्व सीटों का है और रिजर्व सीटों में कौन प्रत्याशी कहां से उतरेंगे यह बात भी करीब करीब तय हो चुकी है, इसकी रणनीति बन गई है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र हैं और इनमें से 6 लोकसभा क्षेत्र रिजर्व हैं। जो 6 लोकसभा क्षेत्र रिजर्व हैं वे हैं हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, गोपालगंज, गया और सासाराम। पिछले चुनाव में, मतलब 2014 के चुनाव में, इन सभी 6 लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए ने जीत हासिल की थी और इनमें से भी शामिल 2 पार्टियों ने ही, मतलब लोजपा और भाजपा ने। लोजपा ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी और भाजपा ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 में हाजीपुर से लोजपा के रामविलास पासवान जीते थे, जमुई से चिराग पासवान जीते थे, समस्तीपुर से रामचंद्र पासवान जीते थे, सभी एक ही परिवार के हैं। गोपालगंज से भाजपा के जनक राम जीते थे, गया से हरि मांझी जीते थे और सासाराम से छेदी पासवान जीते थे। लेकिन 2014 और 2019 में फर्क है एनडीए में, क्योंकि 2019 में जदयू एनडीए में शामिल है जबकि रालोसपा बाहर है और ऐसे में जदयू को भी चुनाव लड़ने के लिए सीट चाहिए थी रिजर्व, क्योंकि जो राजनीति है उनमें आप दलित राजनीति को छोड़ नहीं सकते हैं, उनसे अलग नहीं रह सकते हैं। तो जैसे ही जदयू एनडीए गठबंधन में शामिल हुआ था यह बात लगने लगी थी कि भाजपा के कई जीते हुए सांसदों का टिकट कटेगा और जब सीटें तय हुई कि 17 सीटों पर जदयू, 17 सीटों पर भाजपा और 6 सीटों पर लोजपा चुनाव लड़ेगी, तभी यह बात तय होगी कि कम से कम भाजपा के 5 सांसदों का टिकट तो कटना ही है। तो अब जब टिकट बंटवारे और सीट के बंटवारे की बात शुरू हुई है तो आपको हम बता दें कि जो बिहार की 6 रिजर्व सीटें हैं, हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, गोपालगंज, गया और सासाराम, इनमें से 3 सीटों पर लोजपा चुनाव लड़ेगी, हाजीपुर, जमुई और समस्तीपुर। जदयू गोपालगंज में चुनाव लड़ेगा। गोपालगंज में जदयू के चुनाव लड़ने का मतलब ये है कि 2014 में गोपालगंज से चुनाव जीते भाजपा के सांसद जनक राम का टिकट कट गया है। यह याद रखने वाली बात है कि 2014 के चुनाव में जनक राम बिहार में सबसे अधिक मतों के अंतर से जीते थे। वे पहले बसपा में थे और फिर चुनाव के वक्त भाजपा में आए थे। अब देखना होगा कि एनडीए गठबंधन में जब यह सीट गोपालगंज जदयू के खाते में जा रही है तो जनक राम क्या करेंगे। जदयू ने भी गोपालगंज में चुनाव लड़ाने के लिए अपना प्रत्याशी तलाश लिया है। आज ही, मतलब 8 मार्च को, जदयू के संगठन के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह ने डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जो गोपालगंज के हैं, बड़े डॉक्टर हैं, उन्हें पार्टी में शामिल कराया है। उनका वहाँ अपना हॉस्पिटल है, माल जाल भी ठीक ठाक है, मतलब पैसा भी ठीक ठाक है और वे भी जनक राम की तरह ही रविदास समुदाय से आते हैं। और आपको हम बता दें कि डॉक्टर आलोक कुमार सुमन गोपालगंज से चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात की जानकारी भी सबसे पहले लाइव सिटीज ने ही दी थी जब हम बिहार का मिजाज सिर चला रहे थे और गोपालगंज के चुनाव की व्याख्या कर रहे थे। तो डॉक्टर आलोक कुमार सुमन आज जदयू में शामिल हो गए हैं। आरसीपी सिंह ने जो संकेत दिए हैं उनके मिलन समारोह में, इस बात से बल मिला है कि गोपालगंज में 2019 का चुनाव, लोकसभा चुनाव, जदयू के टिकट पर डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ही लड़ेंगे। आधिकारिक ऐलान बाद में होगा। तो गोपालगंज का फैसला हो गया है। अब देखिए, बीजेपी में, बीजेपी को 2 सीटें मिली है रिजर्व लड़ने को, गया और सासाराम। गया में हरि मांझी फिर से चुनाव लड़ेंगे, यह बात करीब करीब तय है। कोई दिक्कत अब तक इसमें दिखाई नहीं पड़ रही है। अब महागठबंधन से उम्मीदवार कौन होता है यह बात देखने वाली होगी। जीतन राम मांझी, जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कहा जा रहा है कि वे खुद चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन से। तो क्या हम 2019 के चुनाव में हरि मांझी बनाम जीतन राम मांझी देखें, यह बात है। तो देखना होगा, अगले कुछ दिनों में यह दृश्य भी साफ हो जाएगा। सासाराम की सीट जो है भाजपा ने अपने पास रखी
की है रिजर्व सीट, तो लेकिन यहाँ उम्मीदवार कौन होगा इस पर अभी थोड़ा संशय है, क्योंकि छेदी पासवान के दिन बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं भाजपा के भीतर, वे कई तरीके का बयान भी देते हैं, आप देखते रहते हैं। तो छेदी पासवान को लेकर संशय बरकरार है कि उन्हें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ललन पासवान जो चिनारी के विधायक हैं, रालोसपा के विधायक हैं, रालोसपा पार्टी के विधायक हैं, चिनारी से चुनाव जीते हैं, वे भी चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं। पहले प्रशांत किशोर ने और नीतीश कुमार ने कोशिश की थी कि ललन पासवान जब रालोसपा से अलग हटकर बिहार की सरकार को समर्थन देने को तैयार हैं तो जदयू में आ जाएं और सासाराम से चुनाव लड़ लें, लेकिन ललन पासवान चाहते थे कि वे भाजपा से ही चुनाव लड़ें। तो अब जबकि सासाराम सीट भाजपा के खाते में चली गई है, तो देखना है कि वहां उम्मीदवार कौन होते हैं, छेदी पासवान को फिर से टिकट मिलता है या ललन पासवान बाजी मार जाते हैं, या मुनीलाल जो कभी भाजपा के सांसद हुआ करते थे उनके बेटे को टिकट मिलता है। तो यह सब बात देखने को है। सासाराम में मीरा कुमार महागठबंधन की उम्मीदवार होंगी, कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी, इसमें कोई शक शुभा नहीं है। तो ये रही भाजपा और जदयू की सीटें। अब हम बात करते हैं लोजपा की सीटें। लोजपा में जमुई से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे यह तय है। समस्तीपुर रामचंद्र पासवान ही चुनाव लड़ेंगे यह भी तय है। उनका मुकाबला कांग्रेस के डॉक्टर अशोक राम से होगा। 2014 का मुकाबला बहुत कठिन मुकाबला हुआ था और मामूली वोटों के अंतर से रामचंद्र पासवान चुनाव जीते थे। इस बार उनकी क्या स्थिति होगी, देश की फिजा क्या बहेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव नारा और धारा से जीता जाता है। तो मोदी का लहर कितना चलेगा यह भी देखा जाना है। तो समस्तीपुर में रामचंद्र पासवान बनाम अशोक राम, पर सबसे बड़ी बात हाजीपुर सीट पर चुनाव लोजपा से कौन लड़ेगा। रामविलास पासवान कह चुके हैं कि वे चुनावी राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं, वे राज्यसभा से संसद में पहुंचेंगे। यह बात तय भी हो गई थी जब सीटों के बंटवारे की हो रही थी। खुद अमित शाह ने कहा था कि रामविलास पासवान को राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में लोजपा से हाजीपुर कौन लड़ेगा, यह बात बहस का विषय रहा है। यह सीट परिवार के बाहर नहीं जानी है। पहले कहा गया कि रीना पासवान जो रामविलास पासवान की पत्नी है वह चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बाद में चिराग पासवान ने कहना शुरू किया कि मां नहीं मान रही है, वह चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। तब कहा गया कि पशुपति कुमार पारस जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, रामविलास पासवान के भाई हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके बारे में कहा गया कि वे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन दिनों रामविलास पासवान की फैमिली के भीतर भी एक घमासान चल रहा है, बहुत गिटपिट है, और ऐसे में कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल पंडित जानते हैं कि बात कुछ और है, वहाँ बड़े साहब छोटे साहब ये सब भी कुछ रगड़ा झगड़ा फंसा हुआ है, और बड़े साहब अब सब कुछ छोटे साहब के हवाले कर चुके हैं पशुपति कुमार पारस। आप एक बात और जान लें, वहाँ लोजपा में डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का भी, मतलब डायरेक्ट इंट्री और इनडायरेक्ट इंट्री का भी एक झमेला फंसा रहता है। वैशाली को लेकर कुछ पचरा फंसा हुआ है, और इस पचरे में वैशाली में जिन्हें टिकट की बात कही जा रही थी, जदयू के विधान पार्षद धन कुबेर दिनेश सिंह की पत्नी बीना देवी, उनके टिकट को भी लेकर थोड़ा पंगा फंसा है। तो ऐसी स्थिति, ये वैशाली की बात है। तो हाजीपुर में चुनाव कौन लड़ेगा, हम यह बात बार बार इसलिए कह रहे हैं कि अभी दो दिनों पहले रामविलास पासवान हाजीपुर गए थे, इसके पहले भी गए थे। इसके पहले जब वे गए थे तो उन्होंने कहा था कि देखिए अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम राज्यसभा में जाएंगे, और उन्होंने हाजीपुर की जनता से जो भी भूल चूक हुई और जो उन्होंने सेवा किया सबके लिए आशीर्वाद मांगा था, भूल चूक के लिए क्षमा मांगी थी। पर अब जब दो दिन पहले हुए गए तो उन्होंने फिर से बात फंसा दी। उन्होंने कहा कि देखिए मैं लड़ता हूँ कि कौन लड़ता है, तो मैं लड़ता हूँ कि कौन लड़ता है यह बात कहकर हाजीपुर को रामविलास पासवान ने फिर से कंफ्यूज कर दिया है। तो वे भी जानते हैं कि राजनीति बहुत अजीब चीज़ है। राज्यसभा की बात कह तो दी गई है, असम से जाना है, चुनाव बाद क्या होता है, चुनाव के बीच क्या होता है। तो ऐसे में और हाजीपुर को परिवार के बाहर से जाने नहीं देना है, हाजीपुर की सेवा उन्होंने बहुत लंबे अरसे से करी है, तो इसलिए यह बहस है। और पशुपति कुमार पारस इनकार कर रहे हैं। पशुपति कुमार पारस इनकार ही नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से जिद पर अड़ गए हैं कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। कारण
कई बताए जा रहे हैं, कुछ बाहरी कारण है, कुछ भीतरी कारण है। तो ऐसी स्थिति में रामविलास पासवान के समक्ष भी यक्ष प्रश्न है कि हाजीपुर में चुनाव कौन लड़ेगा, परिवार में किसको लड़ाया जाएगा, और यदि कोई लड़ने को तैयार नहीं हुआ तो क्या रामविलास पासवान फिर से हाजीपुर लड़ेंगे, क्या उनकी शारीरिक अवस्था इतनी है कि वे चुनावी भागदौड़ कर पाएंगे। बिल्कुल हवा मापी जाएगी, यह देखा जाएगा कि क्या बिना भागदौड़ के रामविलास पासवान हाजीपुर में चुनाव जीत जा सकते हैं, तब सब कुछ तय होगा। आपको यह भी पता है कि हाजीपुर के लिए राजद ने मतलब महागठबंधन ने अपना पहलवान करीब करीब तय कर रखा है। राजा पाकर के विधायक शिवचंद्र राम वहाँ लोजपा को चुनौती देने वाले हैं, और शिवचंद्र राम पिछले कई महीनों से लगातार सघन जनसंपर्क कर रहे हैं, वो एक तरीके से चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये बातें आज की ब्रेकिंग थी कि बिहार में रिजर्व सीटों का फैसला हो गया है, कौन पार्टी किस कहां से चुनाव लड़ेगी, उम्मीदवार कौन होंगे, यह भी करीब करीब तय हो चुका है। तो लाइव सिटीज के न्यूज रूम से अभी इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर, और आगे भी आपको हम बिहार के चुनाव को लेकर जो भी जानकारी होगी सबसे पहले देंगे। यदि अब तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि यह वीडियो ठीक लगा तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।